हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक। और आज किस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क को, वन्य जीव अभ्यारण को और जयमंडल रिजर्व को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि जो एक सुपर ट्रिक होगी, सिर्फ दो लाइन की ट्रिक है, जिससे आप टोटली 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क और ये वन्य जीव अभ्यारण, जयमंडल रिजर्व हैं उनको याद कर सकेंगे। साथ ही साथ वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं इन तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, जो आजकल के एग्जाम ओरिएंटेड अगर एग्जाम का रेशियो, एग्जाम का जो स्तर बढ़ा हुआ है उसके थ्रू वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देख लेंगे आपके नेशनल पार्क को। यहाँ से आपने डिफिनेशन दे दिया है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सभी प्रजातियों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, ऐसे क्षेत्र में मानव आवास निर्माण की आज्ञा नहीं रहती। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पीपीटी में, इमेज में भी देख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके जानवर हैं, तो समान रूप से बहुत सारे सभी प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, यहाँ पर आप आवास निर्माण नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होती। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे या सॉरी इंडिया के पूरे लैंड एरिया को लेकर, तो टोटल 1.2% पे आपके ये जो सिचुएटेड है नेशनल पार्क सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण। वैसे तो वन्य जीव अभ्यारण भी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ या विशेष प्रजातियों या अधिक प्रजातियों के संरक्षण की बात की जाती है। इन्हें चारा लकड़ी एकत्र करने की छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ भी आवास बनाने की स्वतंत्रता नहीं होती। अगर इंडिया के पूरे लैंड एरिया की बात करें, उसका 3.58% एरिया पे आपके वन्य जीव अभ्यारण है। यहाँ इमेज से आपने देख रखा हो कुछ स्पेशल जो जीव है या बारहसिंघा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी तरीके से कुछ स्पेशल जीव के लिए या एक से अधिक, दो तीन हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट आपका आता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आता है बायोस्फीयर रिजर्व? ये ऐसे भाग होते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होते हैं, या इनफैक्ट अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़े एरिया में इनका वो होता है, अगर तीनों में कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं। और सभी प्रजातियों का एक समान संरक्षण किया जाता है। कभी कभी किसी विस्तृत जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान निर्मित करके जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ से एक चीज़ पता ही चल जा रही है कि ये सबसे बड़े एरिया में होगा और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र यही क्षेत्र माने जाते हैं। तीनों में समानता सिर्फ एक चीज़ की है कि सभी लोग एक इनडेंजर्ड या प्रजातियों का संरक्षण का काम करते हैं, और इंक्रीमेंट एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है। और इन दोनों में मैं स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन की छूट इसमें मिलती है, लेकिन आवास बनाने की स्वतंत्रता इसमें भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की जा सकती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता इसमें रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो। और शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो की जो हमारी नोटिफिकेशन हो वो आपको आसानी से सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क को, जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। और यहाँ जो स्पेशल जो वाइल्ड जीव हैं ये लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट हैं, स्लोवर्थ हैं और आपके जंगली शुगर हैं या जंगली कुत्ता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेनली ये इन सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, या मैचिंग करके दे जा सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज किया जाता है। जिस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा है या स्पेशली जो जानवर के लिए संरक्षण किया गया है उसको मैंने स्पेशली बताया भी है, तो डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है उमरिया जिला मध्य प्रदेश में। 1968 में ये स्टेबलाइज हुआ था और ये टाइगर के लिए स्पेशल है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्पेशली होगा वो आपको बता ही दूंगा। ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये है आपके भावनगर जिला गुजरात में। विशेषता ये है ब्लैकबक और भेड़िया के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। और भी स्पीसीज है जो छोटे स्तर पे होते हैं यहाँ पे, जैकास, जंगल कैट्स, द मेन कार्निवोरस, मतलब जो मांसाहारी प्रजातियाँ होती हैं वो ज़्यादातर इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुमान जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर ये पाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था, तो ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जरूर ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 5 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 110
ट्रीज स्पीसी मतलब स्तनधारियों के और 110 पेड़ों के प्रजाति हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी ये यहीं से की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। केवला देव राष्ट्रीय पार्क, इसको भरतपुर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये भरतपुर में ही है। 1971 में स्टेबलाइज हुआ था राजस्थान में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको दर्जा दिया जा चुका है। तो फ्रेंड इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन पक्षी, ठीक है, साइबेरियन रेंस मतलब साइबेरियन पक्षी, और इनके लिए स्पेशली है, ये आपको ध्यान में रखना है। गिर नेशनल पार्क, ये भी कई बार पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया भी है। ये स्पेशली पूछा जाएगा था एशियाई शेरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये गिर नेशनल पार्क है आपका। 1965 में स्टेबलाइजमेंट हुआ था गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमिस नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 200 स्नो लेपर्ड्स को भी यहाँ पे संरक्षित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये स्थिति इसकी है, गोलाघाट नागौन जिला, ये असम में पाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे भी दिया गया है। और वीडियो क्लास में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सारी चीज़ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार रिपीटेड किए गए हैं सभी एग्जाम में, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई। ये स्पेशली फेमस है फ्रेंड, इसको जरूर मैं ध्यान में रखना है आप सभी को, ये एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक सिंह गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो वो आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये कोडागु मैसूरू जिला कर्नाटका में स्थित है और 37th टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व यहाँ पे 1999 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में है, टाइगर एवं पक्षियों के लिए स्पेशली संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है यहाँ पे, और 400 से ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये चीज़ देख लीजिएगा आप, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को इसी नाम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर को किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क जो कि आपका वेस्टर्न घाट बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, इस मेनली सिचुएटेड है आपको केरला में, लेकिन टच करता है तमिलनाडु के बॉर्डर को। अब अगर आप मैप से देखते होंगे तो जरूर आपको ध्यान होगा, हाथी और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण बारपेटा असम, एक सिंह वाले गैंडे के लिए, हाथी और जंगली भैंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका नामदफा सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में, एलिफेंट टाइगर पैंथर वाइल्ड बफेलो, फ्रेंड्स जहाँ पे 2, 3, 4 या कई सारे जीवों का नाम है या मतलब जानवरों का नाम है, तो फ्रेंड्स समझ लो कि उनको जानवर के नाम पे नहीं पूछेगा, इनके पर्टिकुलर सिचुएशन या स्थिति को जरूर पूछ सकता है कि कहाँ पे है। पंचमढ़ी सेंचुरी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ये बार्किंग डियर बिशोन बियर और टाइगर के लिए फेमस है। चंद्रप्रभा जो आपकी सेंचुरी है ये आपका वाराणसी में है, अक्सर लोग जाते रहते हैं अगर यूपी वाले होंगे तो। और दुधवा नेशनल पार्क भी मेंशन करूंगा मैं उसमें, जो यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट या एक ही कह सकते हो सिंगल नेशनल पार्क है, टाइगर पेंथर और सांबर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है का वाइल्ड एस सेंचुरी रणबकर्श, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाइल्ड एस के लिए ज़्यादा संरक्षित किया गया है। यहाँ पे वोल्फ नीलगाय और चिंकारा भी पाया जाता है और रणबकर्श मतलब गुजरात राजस्थान, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, ये आपको बता दिया मैंने, यूपी में ही है। और हजारीबाग सेंचुरी आपका क्या है, हजारीबाग झारखंड। ये थे पूरे मेन इम्पॉर्टेंट आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। और अब लास्टली मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक जिसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जो 2-3 लाइन की आपकी ये ट्रिक दे रखी है, 2 बार आपको पढ़ना है। गुजरात में गिरे नल से दूध पी जिम चले, केरल में यार मध्य में कना रण के राजा, मानस काज अशोम में नंदशी उड़ीसा जेके में दशग्राम। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ उसको, गुजरात में गिरे नल से, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में टच्ड हो जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे। गुजरात में गिरे नल से दूध पी जिम चले, केरल में यार मध्य में काना रण के राजा, मानस काज अशोम में नंदशी उड़ीसा जेके में दशग्राम। अब फ्रेंड्स अब मैं बारी बारी से इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी गुजरात में गिरे नल से, तो गिरे वन या गिर फॉरेस्ट जो आपका अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था, और नल से हो जाएगा आपका नल सरोवर, ये दोनों सिचुएटेड है आपके गुजरात में। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हुआ गुजरात में गिरे नल से, तो ये दोनों नेशनल पार्क जो है आपके गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका दुधवा नेशनल पार्क, दूध पी जिम चले, पी दूध पी मतलब
दूध से दुधवा हो गया और पी से आपका यूपी हो गया, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका हो जाएगा यूपी में। जिम चले जिम कार्बेट जो होगा आपका उत्तराखंड, यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर बर्फबारी जैसे क्षेत्रों में है तो आपको गर्मी के लिए या तो अलाव चाहिए या तो फिर आप जिम करो, तो जिम कार्बेट से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है कान्हा, मध्य में कान्हा रण के राजा, मध्य में कान्हा मतलब कान्हा से कान्हा किसली पार्क हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, रण के राजा मतलब रणथंबोर और यहाँ से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट था आपका रण के राजा, के से हो जाएगा आपका केवलादेव, अभी मैंने बताया था इनको भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पाया जाता है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट था फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप मानस काज अशोम में, मानस और काज, मानस से हो जाएगा आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण और काज से हो जाएगा काजीरंगा, तो ये दोनों आपके असम में सिचुएटेड। नंदशी उड़ीसा, नंद से उड़ीसा मतलब हो जाएगा नंद से नंदनकानन और सी से सिमली पार, ये भी दोनों क्या आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं। जेके में दचग्राम, जेके में दचग्राम से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में क्या है आपका दचग्राम है। हंगुल के लिए स्पेशली ये सिचुएटेड है नेशनल पार्क, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक भी पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो के लास्ट में आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाई पड़ेंगे, उसको बारी बारी से जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर हमारे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश नेशनल एडिशन और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।